रिम्स के जूनियर डॉक्टर एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। बाबा रामदेव के विवादित बयान का ये विरोध है। राज्य भर के 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स काला बिल्ला लगाकर चिकित्सक मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद की नहीं है, बल्कि कोरोना काल में बाबा रामदेव के बयान से चिकित्सकों को मनोबल तोड़ने वाली है, जबकि वे अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना में संक्रमित मरीजों की सेवा की है। था उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग क्रिश्चियन को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार अपना ब्लैक बैज बांध के और सारा ड्यूटी जो है, सारे कोरोना ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटियां हम लोग सारा का सारा बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कोई कोताही नहीं की है। हाँ, और ये भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें आयुर्वेद और योगा से भी कोई परेशानी नहीं है। सारी चिकित्सा की अलग अलग पत्तियाँ हैं, सबके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ये हजारों वर्षों के रिसर्च से चला आ रहा है, एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो या योगा हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि इस कोरोना काल में जहां सारे पद्धतियों के बीच में, सारे पत्तियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और इस युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आम जनता का। बाबा रामदेव का पहला स्टेटमेंट देखें, एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है, जो कि गलत था। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखें, जिसमें उन्होंने बोला कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं, ज़्यादा मौतें एलोपैथिक दवाइयों खाने से हुई हैं। ऐसा बोलने से